झाबुआ जिले के थांदला में 19 वर्षीय मासूम पायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों द्वारा देर रात तक हंगामा करते हुए आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से मासूम पायल की मौत हुई है, जबकि पायल को बुखार आया था और उसे साई क्लिनिक लेकर आए थे और भर्ती करवाया था। डॉक्टरों ने कहा कि 4 दिन की भर्ती करेंगे तो सुधर जाएगी। पायल की जाँच कर क्लिनिक में भर्ती किया गया। डॉक्टर की लापरवाही के चलते मासूम पायल की मौत हुई, जिसे लेकर अन्य सामाजिक संगठनों व परिजनों द्वारा साई क्लिनिक का घेराव कर हंगामा किया। देर रात तक चला हंगामा, जिसे मौके पर उपस्थित डॉक्टर फौजमल नायक के परिजनों ने की जमकर पिटाई। डॉक्टर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ थाना थांदला में FIR दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि हकीकत में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग किस तरह की डॉक्टर फौजमल नायक पर कार्रवाई करता है, मासूम पायल को न्याय मिलेगा या नहीं। वंदे भारत से मनीष कुमार की रिपोर्ट। ग्राम बाला खोरी की लड़की है, वर्ष 19 साल की पायल मेणा। कल इनकी तबीयत खराब हुई थी तो इनको साई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद इनको आज ज़्यादा तबीयत खराब होने से अस्पताल द्वारा दाहोद रेफर किया गया, जिससे रास्ते में महिला की मृत्यु हो गई है। उसको बाद में फिर उनके परिजन द्वारा थाने पर आके सूचना दी है तो प्रथम दृष्टा उनकी रिपोर्ट लिखते हुए मर कायम कर लिया गया है। अब जांच की जा रही है, इसकी जानकारी नहीं है। बाकी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। मैं हॉस्पिटल पर गया था तो बाकी नर्सिंग स्टाफ मिला था, डॉक्टर वगैरह नहीं मिले। अब जो भी तथ्य सामने आएंगे उस